हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से परीक्षा प्लस में। जैसा कि अभी तक हमने दो टेस्ट आपको प्रोवाइड किए थे, ये हमारा तीसरा टेस्ट है यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद टेस्ट सीरीज का। टेस्ट की क्वालिटी आप पहले भी दो पेपर में देख चुके हो और ये पेपर भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव है। उम्मीद है आप सभी लोग ये पेपर लगा लिए होंगे, अब उसका सोल्यूशन देखने के लिए आप यहाँ पे। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि क्वेश्चन हम ज़्यादा वही फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मैथ्स के, रीजनिंग के या और भी किसी सब्जेक्ट के, जैसे आपका जीएस हुआ, हिंदी हुआ, सारे का डिटेल सोल्यूशन एज अ पीडीएफ वर्जन हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऑलरेडी पहले की तरह ही अपेंड कर दी है। आंसर की भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही मिल गई है। अब आपने अपना नंबर भी इवेल्युएट कर लिया होगा। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि पिछले दो पेपर में आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल नहीं रहे हो। अब अगर पेपर सॉल्व कर लिए हो तो इवेल्युएट करने के बाद ईमानदारी से आपका कितना नंबर आ रहा है अगर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, एक तो हमें भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही है, प्लस और भी आपके यार दोस्त में पता चलेगा आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एक टेस्ट को देने के बाद अपना खुद का एनालिसिस करना। तो आइए हम फिर से देखते हैं मैथ्स का सोल्यूशन, आपका रीजनिंग का सोल्यूशन। रीजनिंग के सर आपको दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में ही आपकी लिंक पड़ी है। जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम है उस सेक्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन के बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं मैथ के। तो आपका जो भी मेन क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 जो आपके टेस्ट पेपर का था, और क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव में केवल दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा जिसमें 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 1600 मतदाताओं को अवैध घोषित किया गया। विजेता ए को अपने प्रतिद्वंदी से 4800 वोट अधिक मिले। इस प्रकार वह मतदाता सूची में कुल मतदाताओं के 51% वोट पाया। मतदाता सूची के कुल मतदाताओं में से हारने वाले उम्मीदवार बी के मतों का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए। हालांकि क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अपकमिंग जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, और हम पिछले भी एग्जाम में देखे हैं कि जो क्वेश्चन का तरीका है वो थोड़ा लेंथी देता है। हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज से नहीं परेशान होना है, हमें देखना है कि ये डेटा क्या दिया हुआ है और वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। हम एक बार देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। दे रखा है कि एक चुनाव है जिसमें दो लोग हैं उम्मीदवार, एक ए है और एक बी है। बोला जा रहा है कि जितने उसमें मतदाता सूची में कुल लोग हैं उसके केवल 30% लोग जो हैं वो वोट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि 70% लोग ने ही वोट दिया है। तो जो टोटल वोट पड़े हैं किसी लिस्ट से, मतदाता सूची से, वो 70% है। ए और बी दो उम्मीदवार है। एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा है कि ए ने जीत लिया है चुनाव, और जब वो चुनाव जीतता है तो उसके कुल वोटों की जो संख्या है वो लिस्ट में जितने मौजूद हैं, अगर हम मान लें कि लिस्ट में एक्स हैं, तो उसका 51% एक्स पाता, ए पाता है। एक्स अगर टोटल नंबर ऑफ वोट है तो उसका 51% ए पाता है। और फिर इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो बी है वो ए से 4800 वोट कम पा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 51% ऑफ एक्स माइनस 4800 बी पा रहा है। प्लस उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि 1600 जो वोट हैं वो आपके इनवैलिड हैं। तो अगर इस 1600 को भी जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 70% ऑफ टोटल वोट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 30% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं। अब हम केवल इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि वी ने कितना परसेंट वोट पाया है, तो बी के टोटल परसेंटेज वोट निकालने के लिए एटलीस्ट हमें यह पता होना चाहिए कि लिस्ट में टोटल कितने लोग थे। अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो इस इंफॉर्मेशन से हम बी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 51% ऑफ एक्स प्लस 51% ऑफ एक्स माइनस 4800 प्लस 1600, अगर इसे देखें तो इधर 102% ऑफ एक्स हो जा रहा है, और अगर इसे करें तो ये माइनस 3200 हो जा रहा है, और उधर 70% ऑफ एक्स हो जा रहा है। अगर मैं इस 70% को इधर लाऊं तो मेरे पास बचेगा 32% ऑफ एक्स, और 3200 उधर चला जाएगा। देखा जाए तो किसी चीज का 32% बराबर 3200 है, तो 100% बराबर हो जाएगा
10,000, आप निकाल सकते हैं 3200 बटे 32 गुणे 100, यानी कि जो कुल वोट हैं x का जो वैल्यू है वो 10,000 है और इंफॉर्मेशन दिया है कि b ने 51% ऑफ x माइनस 4800 वोट पाया है, तो अगर इसका 51% निकाला जाए तो 5100 होगा और उसमें से 4800 माइनस कर दिया जाए तो 300 होगा, यानी b जो कुल वोट पा रहा है वो 300 है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि b का परसेंटेज वैल्यू क्या है। तो b का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 को 10,000 में देखेंगे जो कि आपका 3% होगा और इसका सही उत्तर 3% था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा केवल लैंग्वेज लेंथी था, लेकिन हम लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। और अगर ऐसे चुनाव के क्वेश्चन आते हैं तो हम किसी भी चीज को 100% मान के या x परसेंट मान के बहुत आसानी से उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 152 है ये आपके पेपर का। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है यदि किए जाने वाले कार्य की मात्रा 100% बढ़ जाए तो श्रमिकों की संख्या कितने प्रतिशत से बढ़ानी चाहिए जिस कार्य समय पर समाप्त हो जाए यदि नए श्रमिक पुराने श्रमिकों की तुलना में 20% अधिक कार्य कुशल हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क का है जो मैन डेज के कॉन्सेप्ट पे लगता है, और हालांकि अभी पिछले पेपर में भी आपको जो मैं क्वेश्चन दिया था वो मैन डेज पे दिया था। मैं चाहता हूँ कि आपकी एक बार प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट वाइज चलता रहे, और मैन डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके अधीनस्थ के सारे पेपर के लिए। तो हम एक बार इसे देखेंगे, वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डे जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पहले बोल रहा है कि अगर श्रमिकों की संख्या 100% बढ़ जाए, तो अगर कोई चीज 100% बढ़ जाती है इसका मतलब वो पहले की जस्ट डबल हो गई है। तो पहले की अगर डबल हो गई है, हाँ क्वेश्चन कह रहा था यदि किए जाने वाला कार्य की मात्रा 100% बढ़ जाए, मतलब जो वर्क डन है वो 100% बढ़ जाए, यानी कि जो पहले वर्क था अगर मैं एक मानूं तो अभी जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। मैंडेज कहता है कि M1D1 upon W1 = M2D2 upon W2, लेकिन उसने D1 और D2 को D ही रखा है, बोल रहा है कि दिन में फर्क ना पड़े। तीसरा इंफॉर्मेशन उसने आपके साथ दिया है कि पहले जो लोगों की कार्य क्षमता थी यानी इफिशियंसी थी, अब जो कार्य क्षमता है वो पहले से 20% ज्यादा है, तो पहले एक रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा 1.2, तो जो E2 हो जाएगा वो 1.2 हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करें 1 × M1 × D1, D ही है, W1 एक है, E2 यहाँ पे 1.2 है, मैन पूछ रहा है, डे सेम है आपका और W2 2 है। दोस्तों अगर क्वेश्चन के ध्यान से देखें तो वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़नी चाहिए संख्या, मतलब जो ये M2 है ये M1 से कितना ज्यादा है। तो देखें अगर हम इसे सॉल्व करें तो DD कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.6, यानी कि अगर मैं M2 upon M1 करूं तो 1 upon 0.6 आ जाएगा M2 upon M1, यानी कि M2 minus M1 upon M1 करूं तो 1 upon 0.6 minus 1 आ जाएगा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं 10/6 या 5/3, यानी कि ये बच रहा है 2/3। तो अगर इसके परसेंटेज वैल्यू निकाले तो हम 100 से गुणा कर देंगे जो आपकी 66 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है एक अधिकारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए अपने घर से कार्यालय 5 मिनट देर से पहुंचती है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 2.5 मिनट जल्दी पहुंच गए आ जाएगी, उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है। क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंगल फार्मूला हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस में होता है। बहुत बेसिक हम देखते हैं कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम सभी लोग मानते हैं। हमें डी निकालना है, डी निकालना है। कंडीशन ये है कि बोल रहा है कि जो अधिकारी है पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और फिर बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और ऐसा करने पे जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी तो वो 5 मिनट लेट हो जाती थी, और अगर अपनी स्पीड बढ़ा ले तो वो 2.5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगी। तो
तो देखा जाए कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है टाइम का, तो टाइम का जो अंतर आया है 5 इधर का पहले लेट वो कवर हो रहा है और 2.5 जल्दी, यानी कि जो टोटल अंतर आ रहा है वो 7.5 मिनट का आ रहा है। अगर मैं घंटे में बात करूं तो 7.5/60 7.5/60। अभी देखा जाए ये जो टाइम का डिफरेंस है, पहले स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, यहां से निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम है क्योंकि वो वही पूछ रहा है। तो पहले जब स्पीड 4 की थी और जब अब स्पीड 5 की है तो उसको जो अंतर आया है वो 7.5/60 आ गया है। अगर मैं डी को बाहर निकाल लूं तो 1/20 ये आ जाएगा 7.5/60। अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो 7.5/60 × 20 और ये आ जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आपके अधीनस्थ में पूछे भी जा चुके हैं और उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो ऐसा ना हो कि आपसे इतना अच्छा क्वेश्चन स्किप आउट हो जाए या गलत हो जाए, आपको अपना नंबर श्योर करना है। जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है आपके पेपर का, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप 50 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, पिछली पाइप से 3 गुना त्रिज्या का एक दूसरा पाइप भी इसे खाली करने के लिए टैंक से जोड़ा गया है। यदि दोनों पाइप से निकलने वाले पानी की धार की गति एक समान है तो दोनों पाइप द्वारा खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। कॉन्सेप्ट इतना सा बस है कि जो पानी निकल रहा है पाइप से वो उसके एरिया पे डिपेंडेंट होता है। अगर मैं पाइप से कहीं पानी निकाल रहा हूं तो जितना उसका एरिया होगा, सपोज करिए ये पाइप है आपका, तो इसका एरिया जितना ज्यादा होगा, कहने का मतलब रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से पानी निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पानी के निकलने की स्पीड है, पानी की निकलने की स्पीड यानी रेट है, वो दोनों सेम है। तो जो रेट होता है वो एरिया इनटू टाइम होता है। तो अगर स्पीड सेम है तो A1T1 = A2T2 होना चाहिए, यानी कि एक पाइप आपकी ये एरिया रखती है, दूसरी पाइप आपकी ये एरिया रखती है। पहले पाइप में अगर एरिया निकाला जाए तो πr1²t1 हो जाएगा और दूसरे में πr2²t2 हो जाएगा। उसने बोला है कि जो दूसरी पाइप है उसका जो त्रिज्या है वो उससे 3 गुना ज्यादा है, यानी कि R2 = 3R1 है। अगर हम ये वैल्यू रख देंगे तो πr1²t1 = π9R1²t2, यानी अगर हम T1 T2 का रिलेशन निकालेंगे तो हमारा T2 = T1/9 और T1 पहले दिया है कि उसे 50 मिनट लगते हैं खाली करने में, तो अभी कितना लगेगा दूसरे वाले पाइप को, 50/9। अब हम देखते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था कि एक टंकी है उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं या 2 टोटी लगी हुई हैं, एक इतने टाइम में खाली कर लेती है टंकी, दूसरी पाइप दूसरे टाइम में, यानी कि अगर पाइप ए है तो उसे 50 मिनट लगता है और पाइप बी है, यहाँ पे देखिए 50 मिनट लगता है और पाइप बी को T2 यानी कि 50/9 लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेंगे तो आपका 50 आएगा और फिर इसकी एफिशिएंसी इसको डिवाइड करके करते थे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। टोटल एफिशिएंसी है 10, टोटल कार्य किया जाना है 50, यानी कि उसे 5 मिनट लगेंगे। तो ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस एरिया और टाइम का है जो आपको रेट में कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, लेकिन अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मालूम है तो फिर से इसी पैटर्न पे टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 आपका बहुत आसान है, उसका वैल्यू 1020 आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 35,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 8,904 रुपए है, समान धनराशि पर 2 वर्षों के लिए आधी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए 35,000 रुपए की धनराशि दी हुई है और बोल रहा है कि जो 2 वर्षों में इस पे ब्याज मिल रहा है, वो भी ब्याज किस पे मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज उसका इवेल्युएट किया जा रहा है, तो जो ब्याज मिल रहा है उसका वो 8904 यानी 8904 रुपए मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? 35,000 रुपए पे मिल रहा है। तो अगर मैं इसे इवेल्युएट करूं कि उसकी नेट प्रॉफिट कितनी है, तो 35,000 पे अगर निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये 25.44 आएगा परसेंट लगभग। और अगर हमारी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो हम एक बार देख सकते हैं कि ये वैल्यू और कुछ नहीं 12 + 12 + 12 × 12/100 है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए होती है तो हम इसे x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, xy/100। रेट आपका क्या है, दोनों के इसमें 12 12 है, तो 12 12 × 12/100 यानी कि 12 12 = 24 और यहाँ पे 1.44 और यही जुड़ के तो 25.44 हो रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूजन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं केवल ये देखने भर से कि जो इसका रेट है वो रेट क्या है, 12% है। लेकिन वो आपसे जानना क्या चाह रहा है, वो आपसे जानना ये चाह रहा है कि अगर रेट को आधा कर दिया जाए, मतलब 6% कर दिया जाए, तो सीआई और एसआई के बीच में क्या डिफरेंस होगा। अभी देखिए जब 2 साल के लिए जाता है तो हमने एक पैटर्न देखा था ए ए बी, ये जो होता है आपका एसआई मिलता है और पूरा आपका सीआई मिलता है, मतलब पूरे में से इसको माइनस कर दें तो जो हमारा बी बचेगा यही हमारा एसआई और सीआई के बीच में अंतर होगा। तो यहाँ पे 6%, यहाँ पे 6% और यहाँ पे ब्याज यानी 6 का 6% यानी कि 0.36%। तो हमें और कुछ नहीं, ये 0.36% की वैल्यू चाहिए, किसका, 35,000 का। तो अगर हम 35,000 का 0.36% निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 126। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 157 नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन का उम्मीद है आप सभी लोगों से हो गया होगा। उसका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 40% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, यदि वह 45% का छूट दे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आए तो आपको एक वैल्यू मान लेना सबसे ज्यादा आसान पड़ता है। कैसे, अगर मैं ये मान लूं कि जो उसकी एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 120 हो, है ना, और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उससे डिस्काउंट 40% देने के बाद 20% का फायदा हो रहा है, मतलब एसपी आपकी 120% है, तो 120% बराबर 120 हो जाएगा। तो मालूम होना चाहिए कि जो 100% होता है वो सीपी होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि सीपी उस आर्टिकल का कितना है, 100 है। अब एक बात समझें कि जो ये 120 रुपया एसपी आया था, ये 120 रुपया एसपी तब आया था जब 40% डिस्काउंट दे दिया गया था। तो अगर 40% डिस्काउंट दे दिया गया तो बचा कितना, 60%, और ये 60% बराबर 120, तो अगर हमें मार्क्ड प्राइस निकालना हो तो वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 200, और ये जो 200 मिला है ये आपका क्या है, मार्क्ड प्राइस है, मतलब कि अंकित मूल्य है। तो अभी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, मार्क्ड प्राइस आपको 200 मिल गया है अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, और बोल रहा है इस 200 रुपए पे वो 45% छूट दे दे, तो इसका 45% हो जाएगा 90, यानी कि आपका जो एसपी आएगा वो 110 रुपए होगा। और अगर एसपी आपका 110 है, सीपी आपका 100 है, तो भाई कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है 100 रुपए पे, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि उसको इस बार 10% का फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये एज पे है लेकिन एज का कॉन्सेप्ट कैसे रेशियो से रिलेट होता है हम बहुत अच्छा तरीका इसका देखेंगे।
बोल रहे अमित की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है, 8 वर्ष बाद अमित की आयु उसकी माता की आयु का 1/2 होगी, उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान दे दोस्तों कि ऐसे सारे क्वेश्चन आयु वाले जो रेशियो बेस्ड होते हैं वो टाइप 2 पे लगते हैं, और टाइप 2 क्या कहता है एक बार हम जान जाते हैं जिन्हें नहीं मालूम है। बोल रहा है कि पहले अमित की आयु उसके माता की 2/5 है, यानी कि अगर उसकी माता का 5 है तो अमित की 2 है। मैं डिनोशन कर रहा हूं एम से मदर और ए से अमित। फिर बोले 8 साल बाद उसकी जो आयु है वो आधी रह जाती है, यानी उसकी माँ 2 रहेगी, तो अमित का आयु कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब टाइप 2 कहता है कि इनके इनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे अंतर 3 है और यहाँ पे अंतर 1 है, बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं होता है तो हम अंतर को बराबर करते हैं, और बराबर करने के लिए इसके इसके बीच का अंतर देखते हैं और इसके इसके बीच का अंतर देखते हैं। यहां यहां के बीच का अंतर 3 है और उस अंतर से नीचे वाले में गुणा कर देंगे, यहां यहां का अंतर 1 है और इससे ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, तो हमारा जो नया रेशियो आ जाएगा 5:2 और 6:3। और अब देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। तो देखो यहां पे भी 1:1, यहां पे भी 1:1 बराबर मैं 8 साल बोल सकता हूं, क्योंकि ये 8 साल बीता तभी 5 से 6 हुए और ये 2 से 3 हुए। तो उसके माता का वर्तमान उम्र पूछ रहा है जो कि 5:1 है, तो 1:8, तो 5:8 × 5 यानी कि 40 वर्ष उसके माता की वर्तमान उम्र है। बिना समय बिताए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है तथा बी उसी वस्तु को सी को 25% हानि पर बेच देता है तथा सी उसी वस्तु को 40% लाभ पर डी को बेच देता है। यदि डी ने वस्तु के लिए 252 रुपए का भुगतान किया है तो ज्ञात करें कि इस वस्तु के लिए शुरू में कितने मूल्य का भुगतान किया गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूं कि कैसे लगेंगे ऐसे क्वेश्चन। आपको एक सीरीज में चलना है, सक्सेसिव के केस में होता है ऐसा। हम मान लेंगे कि सबसे पहले उसने x रुपए भुगतान किया, उसे 20% लाभ हुआ तो 120/100, फिर वो दूसरे को दिया तो उसे 25% का हान हुआ तो 75/100, फिर वो तीसरे को दिया तो उसे 40% का लाभ हुआ तो 140/100, और ऐसा करके कुल 252 रुपए लास्ट में उसको अमाउंट पड़ा। अगर ऐसा हुआ तो हम x को कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 162 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वर्ग की भुजाएं x सेंटीमीटर और x प्लस 4 सेंटीमीटर हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़ते रहिए। उनके क्षेत्रफल का योग 656 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन मेथड गो थ्रू ऑप्शन से लगा सकते हैं, और मैथ के आपके 60-70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम हॉल में गो थ्रू ऑप्शन से लग सकते हैं। जैसे देखें, बोल रहा है कि एक वर्ग है, एक भुजा x है और एक भुजा x प्लस 4 है, तो जाहिर सी बात है इसके इसके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। आपका जो 4 ऑप्शन दिया है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखो, 8 और 12, 12 और 15, फिर 6 और 10 और फिर 16 और 20। अभी देखिए हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, अंतर दोनों के भुजाओं के बीच का 4 है तो ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। फिर देखते हैं बाकी 3 तो है, लेकिन बोला है कि दोनों के वर्ग का जो योग है वो 656 है, मतलब अगर इसका स्क्वायर करें इसका स्क्वायर करें तो जो यूनिट डिजिट पे आया और जोड़ें तो उसका 6 आना चाहिए, तो ये 8 8 64 4 आएगा यूनिट डिजिट पर, 12 144, 4 4 8, 6 तो कभी नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, 6 10 और 1 16 20, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। अगर 6 10 को करें तो 36 और 100 136, ये तो एकदम नहीं होगा, बहुत कम है, 656 होना चाहिए, तो यही होगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहे हैं निम्नलिखित में से त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल होगा जब वह एक ही त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर अंकित किया जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और जैसे कि एग्जाम के ट्रेंड को देखा जा रहा है कि वो एक दो क्वेश्चन ऐसा दे देता है, आपसे जानना चाहता है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। वो बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल में ट्रायंगल बना है, तो बोल रहा है कि किस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो,
ये ट्रेंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल हो, ये ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल हो, या ये ट्रेंगल स्केलन ट्रेंगल हो। तो हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब भी किसी सर्कल के अंदर, किसी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज होता है तो जो एरिया होता है, यहाँ पे ये इसकी रेडियस है, एरिया जो होता है उस ट्रेंगल का वो ए बी सी अपॉन फोर आर होता है, जहां पे ए बी सी उस त्रिभुज का क्या है, मेजर है। अभी देखते हैं एरिया बराबर बोल रहा है कि ये रेडियस सारे केस में, चाहे जो त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, सारे केस में रेडियस सबका सेम है। और अगर ये सेम है, वृत्त की त्रिज्या सबकी सेम है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर पूरा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये मान अधिकतम तब होगा जब ए बराबर बी बराबर सी होगा, यानी कि ट्रेंगल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 पे आते हैं, आपके स्क्रीन पे है। यदि यदि दो संख्याओं के योग को प्रत्येक संख्या में अलग अलग गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाले उत्पाद 247 और 114 हैं, संख्याओं का योग होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगाए होंगे और थोड़ा टाइम भी ले गए होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एक बात कह रहा है, अगर नंबर एक्स वाई हो, और एक बार बोल रहा है एक्स प्लस वाई इंटू वाई, और इन दोनों का जो योग है ना, यही तो बोला, यदि दो संख्याओं के योग को प्रत्येक संख्या, ये योग है संख्या का, अगर संख्या x और y है, एक बार x से गुणा किया जा रहा है और दोबारा इसी को y से गुणा किया जा रहा है, तो जब ऐसे किया जा रहा है तो एक बार 247 मिल रहा है, एक बार 114 मिल रहा है। अगर आप LCM HCF को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी जानते हो तो आप देखो कि ये x प्लस वाई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये x प्लस वाई जो है इन दोनों संख्याओं का क्या है, मासा है, यानी कि HCF है। तो मैं अगर 247 और 114 का HCF निकाल लूं तो मेरा उत्तर तुरंत आ जाएगा, और जो इसका HCF आएगा वो 19 आएगा, वो हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 172 है आपके पेपर का। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं x तथा y को जोड़ने पर उनका योगफल 624 प्राप्त होता है, यदि उनके बीच का मासा HCF, मासा यानी कि HCF 52 हो तो x y के कितने मान संभव हैं। वो आपसे जानना चाह रहा है कि ऐसे कितने x y के मान संभव हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी देखिए, एक आपको इंफॉर्मेशन दिया है x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर वो आपको दे रखा है 624। अगर वो एक्स वाई का मान पूछ रहा है और आप ऐसे निकालने बैठ जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? ऐसा हो सकता है कि ये एक हो, ये 623 हो, ये दो हो, ये 622 हो, ये तीन हो, ये 621 हो, ऐसे आप कब तक करोगे, है ना। और फिर कंडीशन भी ये होना चाहिए कि इनके इनके बीच का जो HCF होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 52 होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे हम कैसे लगाएंगे, एक बार देखिए, अगर 52x और y का HCF है, मतलब इसमें भी वो 52 होगा और इसमें भी वो 52 होगा, तो अगर मैं 52 को बाहर निकाल लूं तो हमारे पास कोई एक रा नंबर मिलेगा जो कि 624 होगा। ये और कुछ नहीं, अगर मैं बोलूं x बराबर 52 इंटू ए और y बराबर 52 इंटू बी, जो कि 52 इन दोनों का क्या है, HCF है। तो 52 बराबर 624, यानी कि a प्लस बी अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक। यानी कि अब हमारी वैल्यू आसान हो गई, a प्लस बी बराबर 12, और अब हम आसानी से सोच सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, a और b की वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि a और b के बीच का जो HCF हो वो 1 हो। क्यों? अगर इसका HCF 2 हो गया, माना कि वैल्यू 2 और 10 हो गया, है ना, 12 दे रहा है 2 प्लस 10, लेकिन इनका HCF क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2 और कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आ जाएगा तो HCF 52 नहीं हो जाएगा, 52 × 2 हो जाएगा, इसलिए इनके इनके बीच का HCF 1 होना चाहिए। तो ऐसी कितने संख्याएं पॉसिबल हैं, 1 और 11, 2 10 नहीं हो सकते, 3 9 नहीं हो सकते, 4 8 नहीं हो सकते, 5 और 7। अब देखिए, एक वैल्यू 7 और 5 भी हो सकती है, एक वैल्यू 11 और 1 भी हो सकती है, और यही मान आपका एक्स वाई का संभव है, यानी कि कुल कितने वैल्यू हुए, 4। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो
ये हमारे कुछ सोल्यूशन थे जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिन पे आपको सोल्यूशन जानना जरूरी होता है। किसी भी पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो 30% इजी, 30 से 40% इजी होता है, 10 से 20% या कभी कभी 25% टफ होता है, और बाकी जितने होते हैं वो मॉडरेट लेवल होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो पहली बात तो आपको सारे सब्जेक्ट बराबर देखने हैं, प्लस आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं जो 30% इजी प्लस 40% मॉडरेट वाला है, हम उसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। किसी भी पेपर का जो 30% या 20% या 10% पेपर टफ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को बाद के लिए रखिए, क्योंकि अननेसेसरी वो क्वेश्चन आपका समय ले जाएंगे और आपको फिर कहीं ना कहीं रेस से बाहर करेंगे। तो ऐसे पेपर आपको हम अवेलेबल कराते रहेंगे। आप जितना हो सके उतना पेपर को शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसे लगाएं, उनसे उनका नंबर पूछिए, ताकि आपकी एनालिसिस उनके कंपैरिजन में होती रहे। जो भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया अपलोड करें, नया वीडियो अपलोड करें, बहुत सारे कंटेंट वीडियोस होते हैं, बहुत सारे क्लास लेक्चर्स होते हैं, वो आपको मिलते रहें, प्लस आपको टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी मिलती रहे। अभी जस्ट हम मंडी परिषद के बाद लोअर का टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जितना हो सके उतने दोस्तों को आप हमसे जोड़ने की कोशिश करिए। धन्यवाद।